हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का एक बार फिर से तारा मधु की रसोई से। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ चॉकलेट केक की परफेक्ट आइसिंग को करने का मेथड शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ 10 ऐसी अमेजिंग सी यूजफुल टिप्स शेयर करूँगी, जिनको आई एम श्योर अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी बेकरी स्टाइल अपने केक की परफेक्ट तरीके से आइसिंग कर पाएंगे। और जब दोस्तों आपके केक की आइसिंग एकदम परफेक्ट तरीके से हो जाएगी, तब आप इसके ऊपर कोई भी सिंपल भी डिजाइन बनाएंगे तो आपका केक एकदम प्रोफेशनल लुक देगा, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मैं एक होम बेकर हूँ, डेली बेसिस पे मैं 3 से 4 केक बनाती हूँ, डिलीवर करती हूँ। तो ये सारी टिप्स और टेक्निक्स मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से सीखी हैं। मैंने सोचा आज क्यों ना आपके साथ मैं ये शेयर करूँ, ताकि आपकी भी काफ़ी हेल्प हो जाए। ये टिप्स जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स, ये आपको कोई भी कहीं भी बताने वाला नहीं है, क्योंकि जनरली ये प्रैक्टिस के दौरान ही हमें समझ में आती है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमें इससे ये फायदा होगा। तो बहुत ही अमेजिंग सा ये वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए, यूजफुल लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जब हम चॉकलेट केक की आइसिंग करने वाले हों, तब सबसे पहला जरूरी स्टेप आता है कि हमारा केक स्पॉन्ज भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ना वो ज़्यादा गीला होना चाहिए, ना उसके अंदर तेल या चीनी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आपका केक स्पॉन्ज ही चिपचिपा रहेगा, जिससे कि क्रम्स निकलेंगे और केक की आइसिंग भी नहीं हो पाएगी। तो 1.5 कप प्रीमिक्स में मैंने 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डाला और 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है, और पानी या दूध की मदद से आप इस तरीके का बैटर बना लीजिएगा। इसकी प्रॉपर डिटेल में रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अब हम इस बैटर को अपने ग्रीस किए हुए किसी भी केक टिन या फिर मोल्ड में डालेंगे। आपको हमेशा अपना केक टिन मार्क से आधे तक ही भरना है, उससे ज़्यादा नहीं भरना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा भर देंगे तो इसको फूलने की स्पेस नहीं मिलेगी। टैप करके आप इसे 180 डिग्री प्रीहीटेड ओवन में बेक कर लीजिएगा 25 से 30 मिनट के लिए। तो देखिए, मैंने अपना केक स्पॉन्ज रेडी कर लिया है। अब हल्का ठंडा होने के बाद हम इसे डिमोल्ड करेंगे फ्रेंड्स। अगर हम इसे पूरा ठंडा कर देंगे तो ये बर्तन में ही चिपक जाएगा, और जिससे कि हमारे केक में क्रम्स बहुत निकलेंगे। तो हल्के गर्म में ही आपको इसे डिमोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से, अभी मेरा केक पूरी तरीके से ठंडा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसकी टॉप लेयर को रिमूव करेंगे। तो आप चाकू से या थ्रेड की मदद से इसकी लेयर को रिमूव कर दीजिएगा इस तरीके से। अगर आप बिगिनर हैं तो आप बड़ा सा चाकू लेकर के निशान लगा करके थ्रेड से इसे कट कर लीजिएगा। तो देखिए, मैंने इसकी टॉप लेयर को रिमूव कर दिया है। जब भी आप केक स्पॉन्ज की आइसिंग करने वाले हो, आपको हमेशा टॉप लेयर को रिमूव कर देना है, और जो बाकी का केक है उसकी आप लेयर्स कट कर सकते हैं। जैसे मैंने आधे केजी का केक बनाया तो उसकी मैंने 3 लेयर कट कर ली है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, और अब तैयार करते हैं हम अपनी व्हिप्ड क्रीम। तो जब भी आप व्हिप्ड क्रीम तैयार करें, आपको बर्तन एकदम ड्राई लेना है, और आपको अपनी व्हिपिंग क्रीम भी एकदम चिल्ड लेनी है। और ध्यान रखिएगा, उसके अंदर आइस क्रिस्टल्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर उसमें आइस क्रिस्टल्स हैं तो आप उसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। जब वो मेल्ट हो जाए तब आप उसे व्हिप कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी व्हिप्ड क्रीम एकदम स्टिफ पीक्स वाली अच्छे से तैयार हुई होगी, तभी आप अपने केक की भी परफेक्ट आइसिंग कर पाएंगे। तो हमारी क्रीम देखिए एकदम स्टिफ पीक्स वाली इस तरीके से तैयार हो गई है। तैयार होने के बाद फ्रेंड्स, आप अपनी क्रीम को 5 मिनट के लिए फ्रिज में जरूर रखिएगा, उससे क्रीम जो है अच्छे से सेट हो जाती है। उसके बाद आप चाहें तो इसमें कोई भी फ्लेवर या फिर कलर ऐड कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है फ्रेंड्स, वो ये आता है कि आप अगर बिगिनर हैं तो आप पैलेट नाइफ से डायरेक्ट अपने केक के ऊपर आइसिंग मत कीजिएगा, उससे फिनिशिंग अच्छे से नहीं आएगी और काफ़ी दिक्कत आएंगी। तो जब भी आप आइसिंग करने वाले हो, आप इस तरीके से कोई भी एक पाइपिंग बैग ले लीजिएगा, नहीं हो तो आप घर में भी बना सकते हैं, और उसे ग्लास की मदद से इस तरीके से फिल कर लीजिएगा। जितनी भी आपकी पाइपिंग बैग में स्पेस हो, आपको क्रीम उतनी ही भरनी है। ये देखिए इस तरीके से मैंने अपनी, देखिए, पाइपिंग बैग अच्छे से भर लिया है। आगे से छोटा सा मैंने होल पहले ही कट करके रखा हुआ है, और इसी तरीके से जो बची हुई क्रीम है मैं उसको दूसरे वाले पाइपिंग बैग में भर लूंगी। फ्रेंड्स, जनरली हम क्या करते हैं, एक पाइपिंग बैग में अपनी क्रीम को भर लेते हैं और अपने केक की आइसिंग स्टार्ट कर देते हैं, और हमारी बीच में ही क्रीम खत्म हो जाती है, तो हम डायरेक्ट ही पैलेट नाइफ से अपने केक के ऊपर काम स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि फिनिशिंग जो आई भी होती है वो भी खराब हो जाती है। तो आप अपने केक के हिसाब से ही अपने पाइपिंग बैग रेडी करें। आधा केजी के केक में 2 पाइपिंग बैग आराम से लग जाते हैं। अब जो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप आता है, वो होता है शुगर सिरप बनाने का। तो उसके लिए आप 1 टेबलस्पून भर करके चीनी ले लीजिएगा, या फिर चीनी का पाउडर, और उसमें 3 से 4 चम्मच पानी डाल करके उसे अच्छे से घोल लीजिएगा, और आपका घर का बना हुआ शुगर का सिरप तैयार हो जाएगा। और जब आप अपने केक की आइसिंग करेंगे तो इससे आप अपने केक को मॉइस्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो गीला रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, जिससे कि उसमें से क्रम्स भी नहीं निकलेंगे और आपकी आइसिंग भी एकदम परफेक्ट रहेगी।
तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको केक आइसिंग करने से पहले इस तरीके से बोर्ड लेना है, उसके सेंटर में थोड़ी सी क्रीम आप लगा करके उसे पैलेट नाइफ से स्मच कर दीजिएगा और फिर जो आपके केक की सबसे नीचे वाली लेयर होती है, जो बेस होता है, उसको आपको सबसे पहले रखना है क्योंकि ये थोड़ी थिक होती है और क्रीम लगाने की वजह से ये आराम से इस पे स्टिक हो जाएगी और जब हम आइसिंग करेंगे तो हमारा केक भी हिलेगा नहीं। लेयर रखने के बाद आपको स्पून से इस तरीके से शुगर सिरप को इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है। आप चाहें तो ब्रश या फिर स्प्रेयर भी यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सिरप आपको अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो केक काफी गीला हो जाएगा। और उसके बाद आपको पाइपिंग बैग की मदद से इस तरीके से क्रीम को लगाना है। आपको गैप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और इस तरीके से क्रीम जो है वो बिल्कुल एक जैसी आपके केक के ऊपर लगेगी। कहीं गैप हो जाता है तो आप उसे भर दीजिएगा। तो देखिए इस मेथड से क्रीम जो है वो एक जैसी लगती है और बिल्कुल भी हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। और फिर पैलेट नाइफ से हल्का सा स्प्रेड करते ही हमारी क्रीम जो है वो इवनली डिवाइड हो जाती है। देखिए इस तरीके से। अब क्योंकि हम चॉकलेट केक बना रहे हैं तो उसके ऊपर हमें गनाश लगाने की जरूरत पड़ती है। आप चाहें तो यहाँ पर हर्षी सिरप भी लगा सकते हैं और फिर उसे स्पून से अच्छे से स्मच कर दीजिएगा। गनाश लगाने के बाद हम केक की सेकेंड लेयर रखेंगे और उसके ऊपर फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। शुगर सिरप लगाएंगे और फिर क्रीम लगाएंगे। बिल्कुल सही तरीके से आपको क्रीम लगाना है, कहीं गैप भी नहीं छोड़ना है। अगर आप गैप छोड़ देंगे तो आपका केक जो है वो टेढ़ा मेढ़ा तैयार होगा। पैलेट नाइफ से इसे स्मूथ कर लीजिएगा और फिर से हम इसके ऊपर अपना चॉकलेट गनाश लगाएंगे। फ्रेंड्स चॉकलेट गनाश लगाते समय आपको एक बात का ध्यान और रखना है, जब आप गनाश को स्प्रेड करेंगे तब आपको केक के कॉर्नर तक उसे नहीं लाना है, क्योंकि अगर आप कॉर्नर तक गनाश ले आएंगे तो वो आइसिंग करने के दौरान आपके बीच में आएगा, जिससे कि आपकी आइसिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो आपको गनाश बिल्कुल सेंटर के अंदर ही रखना है। और अब मैंने केक की देखिए थर्ड लेयर लगा दी है, उसके ऊपर भी मैंने शुगर सिरप लगा दिया है और देखिए हमारा पाइपिंग बैग खाली हो गया है। और अब मैं झट से अपना दूसरा पाइपिंग बैग ले लूँगी तो जिससे कि मेरे काम में भी कोई रुकावट नहीं आएगी और हमारा काम जैसे नीटनेस के साथ चल रहा था वो भी वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। अब हम अपनी क्रीम को साइड में इस तरीके से लगाएंगे, बिल्कुल पास पास आपको लगानी है, कहीं भी आपको गैप नहीं छोड़ना है। और फिर पैलेट नाइफ से हम इसे सर्कल में रोटेट करते हुए क्रीम को स्प्रेड करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे आपको स्प्रेड करना है। अगर कहीं लगता है क्रीम ज़्यादा आ गई तो आप बैक स्ट्रोक डाल करके वापस से क्रीम को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरीके से 3 से 4 सर्कल कंप्लीट करने के बाद आप ऊपर वाली क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर लीजिएगा। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा क्रीम आ रही है उसे आप अपने बाउल में निकाल सकते हैं। 3 से 4 बार इस तरीके से स्ट्रोक मारने के बाद अब हमें एक स्क्रैपर चाहिए होगा। आप चाहें तो घर का कोई एटीएम कार्ड ले सकते हैं, कोई फाइल कवर ले सकते हैं, लेकिन यूज करने से पहले आप उसे पानी में डिप कर लीजिएगा और फिर टर्न टेबल रोटेट करते हुए आपको क्रीम को इस तरीके से स्प्रेड करना है। जो क्रीम हमारी एटीएम कार्ड पर आ जाएगी उसे हम वापस से बाउल में निकाल करके इसे क्लीन कर लेंगे और फिर से यही प्रोसेस करेंगे। आप देख सकते हैं कहीं कहीं पर हमारा केक अभी दिख रहा है, लेकिन उसे अभी हम हाइड करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा एटीएम कार्ड अभी गीला है। अगर हम कोशिश भी करेंगे तो हमारी क्रीम अच्छे से उस पर नहीं लगेगी। तो जो दिख रहा है उसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी के लिए और ऊपर की क्रीम को भी अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लेते हैं। तो मैंने गीला एटीएम कार्ड फिर से ले लिया है और धीरे धीरे करके मैं ऊपर वाली क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। 3 से 4 स्ट्रोक के बाद आप अपनी क्रीम को एटीएम कार्ड से पोंछ दीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से। और ये स्टेप फ्रेंड्स आपको लगभग 2 से 3 बार करना है। एक बार साइड में घुमाना है, क्रीम को पोंछ देना है, फिर ऊपर की क्रीम को स्प्रेड करना है और फिर एक बार साइड में करना है। ऐसा करने से आपकी आइसिंग भी अच्छे से होगी, एक्स्ट्रा क्रीम निकल जाएगी और अगर हमारा केक कहीं पर दिख भी रहा है तो उसे हम बाद में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लगभग 2 से 3 बार मैंने इस स्टेप को रिपीट किया है और हमारा केक जो है अब इस तरीके का रेडी हो गया है। अब जो हमारा केक का पार्ट दिख रहा है वहां पर अगर मैं दोबारा क्रीम लगा करके इसे हाइड करने की कोशिश करूंगी तो वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं लगेगी। तो उसके लिए हमें पहले केक को 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखना होगा ताकि अच्छे से सेट हो जाए और उसके बाद हम बाकी की प्रोसेस को करेंगे। तो मैंने 10 मिनट के लिए इसे देखिए फ्रिज में रखा था। केक अच्छे से ठंडा हो गया है, सेट हो गया है और अब जो केक पार्ट्स हमारे केक में दिख रहे हैं वहां पर हम पाइपिंग बैग की मदद से क्रीम अप्लाई करेंगे। इस तरीके से कहीं कहीं छोटे छोटे स्पॉट्स भी हों तो वहां पर भी हम क्रीम लगा देंगे। और इसके बाद हम अपना गीला किया हुआ एटीएम कार्ड लेंगे और अब हमें उस डायरेक्शन में से नहीं घुमाना जैसे हम पहले घुमा रहे थे, हमें इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में से घुमाना है। ये देखिए इस तरीके से। ऐसा करने से हमारी क्रीम जो है वो परफेक्ट लगेगी और जो क्रीम हमने पहले अप्लाई की थी वो भी बिल्कुल हटेगी नहीं, खराब नहीं होगी। तो देख सकते हैं मैंने उल्टा स्ट्रोक एकदम मार दिया है। जहां पर हल्का फुल्का थोड़ा केक ज्यादा ही दिख रहा है वहां पर आप इस तरीके से क्रीम लगा सकते हैं।
और फिर से अपोजिट डायरेक्शन में हम अपने एटीएम कार्ड को रोटेट करेंगे। एक्स्ट्रा क्रीम जो आएगी अपने कार्ड पर उसे हम क्लीन कर देंगे और 2-3 बार स्ट्रोक मारते ही आपका केक जो है अच्छे से हाइड हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, कहीं और भी अगर आपको केक दिख रहा हो तो आप यही प्रोसेस वहां पर भी कर दीजिएगा। और फिर से एटीएम कार्ड को क्लीन करके गीला करके हम इस केक के ऊपर रोटेट कर देंगे और इसी तरीके से हम केक के ऊपर भी फिनिशिंग करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस बार जब हम एटीएम कार्ड से अपनी क्रीम को स्प्रेड करेंगे तो उसे बार बार हम टिश्यू पेपर से क्लीन करते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, और जो बोर्ड हमारा थोड़ा बहुत गंदा हो गया है उसे हम फाइनली टिश्यू पेपर से क्लीन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे केक की कितनी परफेक्ट आइसिंग हो गई है, कहीं भी हमारा केक दिख नहीं रहा है। और इस तरीके से परफेक्ट आइसिंग कर लेने के बाद आप अपने केक को मनचाहे डिजाइन से, ड्रिप से, गनाश से डेकोरेट कर सकते हैं और प्रोफेशनल एक लुक दे सकते हैं। तो आई एम श्योर फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल और यूजफुल रहा होगा। अगर आप मेरी बताई हुई टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो इसे फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगे आप सभी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।